एक रिपोर्ट आपको हम सभी दर्शकों को दिखा देते हैं। बिहार से ही है, बक्सर से रिपोर्ट, जहां पर ये बक्सर में सब कुछ हंगामा, हिंसा, आगजनी हमें देखने को, पुलिसिया कार्रवाई, लाठीचार्ज देखने को मिल रही है। पुष्पेंद्र कुमार, उनकी रिपोर्ट आप सभी दर्शकों को दिखाते हैं। ये चौसा पावर प्लांट है, ये भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, लेकिन आज ये दहक चुका है। आज पूरा यहाँ पर किसानों के द्वारा जबरदस्त तोड़फोड़ किया गया है। यहाँ पर मैं अपने सहयोग कहूँगा, जरा दिखाएं कि कैसे ये शुरुआत यहाँ से होनी चाहिए। ये देखिए यहाँ पर कैसे किसान रात भर उपद्रव करते रहे, पूरा का पूरा तोड़फोड़ करते रहे। वहाँ की इस जो केबिन है उसको जला दिया गया है। उसके बाद ये धुआं है, दिखाएं जैसा धुआं है, ये उन्हीं के द्वारा सारा कुछ किया गया, जलाया गया है। और ये प्लांट का मुख्य एरिया है जहां पर जलाया गया है। इसके पीछे, मेरे पीछे ये जो गाड़ी है, उस गाड़ी की तरफ जरा हम जाएंगे, जरा कहें कि ये वो गाड़ी है, जो गाड़ी को फूंक दिया गया है। वो सामने जो धुआं उठ रहा है वो किसी शेड से उठ रहा है, फूंक दिया गया है। यहां पर ये गाड़ी है, यही वो गाड़ी है जहां पर काफी ज्यादा हंगामा हुआ, इसके जलते हुए आप वीडियो देख सकते हैं कैसे ये गाड़ी जल रही थी। और ये लगातार जो काफी हंगामा काफी तेज हुआ था, लोग जो किसान थे वो इस जगह पर काफी जमे हुए थे, और पूरे चौसा का जो पावर प्लांट था उसको फूंकने की तैयारी थी किसानों के द्वारा। बिल्कुल, तो तमाम तस्वीरें अभी आ रही हैं, उनको आपको दिखा रहे हैं, लेकिन पुलिसिया कार्रवाई पर ये एक्शन, पुलिसिया कार्रवाई पर ये सवाल खड़े हो रहे हैं, सवाल निशान है, और विपक्ष को भी मौका मिल गया है राज्य सरकार को घेरने का। तो पुलिस और किसानों में यह भिड़न, पुलिस की गाड़ियां फूंक दी गई, लाठीचार्ज पर बड़का गुस्सा लोगों का, लेकिन ये जो कार्रवाई है वो सवालों के घेरे में है। सुजीत झा हमारे सहयोगी लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं, जो आप सभी दर्शकों को अपडेट दे रहे हैं। सुजीत, पुलिस का ये एक्शन, पुलिसिया कार्रवाई पर सवालिया निशान, आरोपों के घेरे में राज्य सरकार। सुजीत झा, आरोपों के घेरे में है, और एक तरीके से विपक्ष को भी सरकार ने एक मौका दे दिया है। वैसे तो लगातार लाठीचार्ज यहाँ पर हो रहे हैं, आपने देखा ही होगा कि इस प्रकार से अभ्यर्थियों पर और जो परीक्षा को लेकर इस तरह से हंगामा हुआ यहाँ पर, और किसानों पर इस तरह से लाठीचार्ज करना, तो विपक्ष को तो इससे मौका मिलता ही है। और निश्चित रूप से कहीं सरकार का इसमें हम कह सकते हैं कि फेल्योर है कि इस प्रकार की घटनाएं लगातार बिहार में हो रही है। क्या अभी तक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से या किसी पार्टी की तरफ से इसको लेकर कोई प्रतिक्रिया आई है? निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बड़ा मुद्दा है, क्योंकि आरोपों के घेरे में राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन, क्योंकि किसानों का ये मामला है और किसानों पर लाठीचार्ज से जुड़ा हुआ पूरा मामला। देखिए, ये तो पावर प्लांट को लेकर जो हो रहा है वो भारत सरकार की योजना है, और आपको पता ही है कि जो भारत सरकार की योजना होती है उसमें जमीन अधिग्रहण का काम राज्य सरकार की तरफ से होता है, मुआवजा जो राज्य सरकार की तरफ से दिया जाता है, और उसी इसमें हम कह सकते हैं कि दोनों सरकारें जो हैं इसमें कहीं ना कहीं शामिल हैं। तो निश्चित तौर पर बीजेपी की तरफ से तो प्रतिक्रिया आ रही है कि जिस प्रकार से बर्बरपुर कार्रवाई पुलिस ने की है उसको निश्चित तौर पर कहीं से उचित नहीं ठहराया जा सकता, और सरकार पर लगातार हमले हो रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो जमीन अधिग्रहण का मामला जो है बिहार में वो काफी मुश्किल भरा होता है, किसान अपनी जमीन देना नहीं चाहते किसी प्रोजेक्ट के लिए। यही कारण है कि आप देखिए कि बिहार में बहुत सारे जो इंडस्ट्री है, चाहे जो भी इस तरह के संस्थान लगने चाहिए वो लगने में दिक्कत होती है, यहाँ तक कि रेलवे की पुलिस रेलवे के जमीन का अधिग्रहण में भी दिक्कत होती है, तो बहुत सारी सड़क निर्माण में भी दिक्कत होती है, तो इस तरह की समस्याएं यहाँ पर आती है। लेकिन सरकार को ये सब समस्याओं से अवगत है सरकार, और इसको इसका निदान खोजना चाहिए। यहाँ पर जिस तरह से मुआवजा देने में गड़बड़ी होती है उसको लेकर भी जनता में काफी आक्रोश है। शुक्रिया सुजीत, इस पूरी खबर पर नजर बनाने के लिए और दर्शकों को जानकारी साझा करने के लिए। तमाम तस्वीरें आ रही हैं, आपको हम दिखा रहे हैं, जो काले धुएं का गुब्बार देख रहे हैं, ये सरकारी इमारत है, इसको आग के हवाले कर दिया गया किसानों की तरफ से, जो लोग आक्रोशित थे, और ये पुलिस की गाड़ियां हैं, वज्र वाहन हैं, उनको आग के शोलों में तब्दील कर दिया गया, आग लगा दी गई, नुकसान काफी हो गया। लेकिन पुलिस पर आरोप है कि उन्होंने किसानों के घरों में घुसकर लाठीचार्ज किया है, और रात में ही इस भीषण ठंड में, कड़ाके की जब ठंड पड़ रही है, लोग अपने घरों में रजाई के अंदर हैं, दुबके हुए, जान बचा रहे हैं, तब लाठीचार्ज करना कहाँ का ये एक कानून है? तो बिहार बक्सर से ये तस्वीर, और इसको लेकर सियासत भी काफी शुरू हो चुकी है।